नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारी मेहमान हैं रेवती सागलकर जी। बातचीत का पहला हिस्सा आपने देखा, आज देखिए इस बातचीत का दूसरा हिस्सा। यदि आप इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं और अप्पा जी यानी गिरजा देवी और मतलब ये हम लोग का सौभाग्य है, रागगिरी का सौभाग्य है कि उनका बहुत स्नेह प्यार और आशीर्वाद हम लोग के साथ रहा। लेकिन अप्पा जी की एक खासियत थी, मैं उस खासियत पर आपसे बात करना चाहता हूँ। उनकी खासियत ये थी कि हर व्यक्ति जो उनसे मिलता था उसको ये लगता था कि अप्पा जी सबसे ज्यादा प्यार उसको करती हैं। आपको भी ऐसा लगता था क्या? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये उनके हृदय की मैं विशालता कहूंगी। और वाकई एक सीखने की चीज है कि जो उनसे मिलता था, मैं जब उनसे मिली मुझे ऐसा लगा कि बस वो मेरी ही हैं और बस वो मुझे ही पूरा प्रेम और वो पूरा मन से वो सिखा रही हैं। ये उनका बहुत विशाल हृदय था और बहुत ही जिसको कहना चाहिए प्रेम था अपने शिष्यों के साथ, अपने विद्यार्थियों पे उनका बड़ा स्नेह था, अपार स्नेह था। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी जो कि वास्तव में सीखने वाली है, क्योंकि आज के युग में जब मैं देखती हूँ तो बड़ा जिसको कहते हैं एक खोखलापन सा रहता है। मतलब है, विभिन्न प्रकार के लोग सिखा भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक गहरा संबंध होता है, जो एक बॉन्ड होता है शिष्य का और गुरु का, वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी एक दूरी नजर आती है। वो मालूम नहीं क्यों, लेकिन शायद ये समय का प्रवाह है और लोग अपने में व्यस्त ज्यादा हैं इस वजह से, या क्या वजह है, लेकिन थोड़ा तो ये दिखाई पड़ता है। जी ये सवाल मैंने दीदी इसलिए पूछा कि हम जब जी आज से मुझे लगता है 6 साल तो हो गए, 6 साल पहले की बात है, मान ली जी दीदी कि हम आई थी तो मैं मिलने गया, आशीर्वाद देने गया उनसे, और जी मालिनी जी ने उनको गलती से ये बता दिया कि ये नौकरी छोड़ के ये काम कर रहे हैं, संगीत का जो इन्होंने शुरू किया है, ये अपना म्यूजिक के प्रमोशन का कह लीजिए या म्यूजिक के अवेयरनेस का कह लीजिए, नौकरी छोड़ कर रहे हैं। बुलाया मुझे उन्होंने, बैठो, बैठ गया मैं। तो हारता बिटिया हा, दुबो बिटिया, तब बिटिया के साथ सतिकुल कैसे होई, बिना पैसा काम कैसे चली, शादी ब्याह कैसे करब। तो हमको, मुझे ये लगा कि उनका जो कनेक्ट था, वो जो लोगों से कनेक्ट करती थी, और बड़े स्वाभाविक प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न नहीं कि जो आपको चुभते हो, बहुत सीधे प्रश्न। और मुझे अभी भी याद है, मैंने उनसे कहा कि अप्पा तुम्हार आशीर्वाद हो, कुल हो जाए, तो बड़ी खुश हुई। हमसे कहने लगी कि तू हमसे एक ठे काम करे, एक ठे ब्लैंक चेक ले ला, तो के जरूरत पड़ी तो के भंजा लिया। मतलब गिरजा जी जैसा कलाकार अगर ये कहता है कि एक ब्लैंक चेक ले लो और जब जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल कर लेना, ये बताता है कि वो कितने बड़े दिल की कलाकार थी, कितनी सहृदय थी और कितनी कितनी कंसर्न थी अपने लोगों के लिए। आप लोग तो शिष्या रही हैं, मैं उनका शिष्य नहीं हूं, मेरा संगीत से दूर दूर तक ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रेम था उनका, स्नेह था उनका। कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहती हो उनके साथ का? जी बिल्कुल। देखिए, जो पहली मेरी उनके साथ जो पहली मुलाकात थी वो इस तरह से थी कि मैं कहीं पे एक मंत्रोच्चार कर रही थी और वहां पे वो एज अ चीफ गेस्ट आई हुई थी। तो जब उन्होंने मंत्रोच्चार सुना तो उसके बाद, उस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, उन्होंने मुझे बुलाया पास में और कहा कि तुम किससे सीखती हो। तो उस दौरान नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या तुम, मेरी गुरु जी मंजू जी थी, पूछा कि क्या तुम उनकी शिष्या हो। तो मैंने कहा कि हाँ। तो बोले कि हाँ, तुम्हारी आवाज में लगता है। तो कहा कि तुम जो है उपशास्त्री भी सीखो, कल से आ जाना, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो मैं तो एकदम, मेरे रोंगटे अभी भी, मैं जब याद करती हूँ इस बात को तो मुझे लगता है। तो कि उन्होंने कहा कल घर आ जाना और उसके बाद कल से शुरू करते हैं, तो इससे बढ़ के मेरे लिए क्या बात हो सकती थी। तो
तो मैं अगले दिन उनके घर पहुंची और फिर उन्होंने सब पूजा और ये सारी विधि, और इतनी मतलब मैं वो जो समय था और वो जो जो सारी पूजा ये सब हो रही थी उनके गुरुओं की और माता सरस्वती जी की, तो वो क्षण मैं भुला नहीं सकती जो अनुभूति मुझे हुई। और ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे सभी गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा हो। और फिर उन्होंने गाने को कहा और उस दिन से उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की, तो बहुत सौभाग्य की बात रही मेरे लिए। और इसके साथ पूर्व में मैं पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी, उनसे भी मुझे अवसर मिला और सौभाग्य मिला कि मैं उनसे भी सीख पाऊँ। तो बहुत छोटी थी तो उनके घर में जाया करती थी और उनसे भी शिक्षा दीक्षा हुई। और फिर उसके बाद मैं BHU गई और फिर वहाँ पे सब गुरुजनों के सानिध्य में मैंने शिक्षा प्राप्त की। रेवती जी, पिछली पिछले हिस्से में बातचीत के हमने आपसे एक राग सुना था, लेकिन अब चूंकि मौसम ऐसा है कि कोई मौसम की चीज हो जाए, तो आपसे गुजारिश यही करेंगे कि इस मौसम को देखते हुए आप हमें कुछ सुनाइए। घिर आई है कारी
चूंकि गिरजा जी की बात चल रही है तो एक जी किस्सा बताना यहाँ पर जो जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है बताना कि गिरजा जी 80 साल की उम्र तक, मतलब जब उन्होंने गायन शुरू किया अपना, उसके बाद तक जी जब तक वो रही, उन्होंने कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं किया दीदी जब वो बिना नहाए स्टेज पे गई हो, और कभी जी उन्होंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा स्टेज पर चढ़ने के लिए, और बहुत गर्व जी से कहती थी वो ये बात। वो ये कहती थी जी कि बेटा रात में 3 बजे भी प्रोग्राम अगर रहल तो हम नहा के गई जी थी, हम बिना नहेले जी ना गए। तो ये जी संगीत के प्रति उनकी साधना थी, ये उनका संस्कार था। और देखिए कहाँ से चीजें जुड़ती हैं, हम लोग आज जी इस बात के लिए चिंता करते हैं कौन किस घराने से है, कौन किस घराने से नहीं है, घराना ये 1,000 साल पुराना है, वो 5,000 साल पुराना, वो तो किसी घराने से नहीं थी, लेकिन उन्होंने जी इस देश में शास्त्रीय संगीत की जो पहचान कायम की वो किसी से जी छुपी नहीं है। इसी से जी जुड़ा अगला प्रश्न था मेरा कि जब जी आज हम बात करते हैं शास्त्रीय संगीत की, तो बहुत बड़ा एक 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 एक, एक वो है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ वो कलाकार हैं जो घराने से आते हैं, जिनके परिवार जी में सालों साल से संगीत हो रहा है, यानी, और जी दूसरा वो परिवार हैं जहां पर संगीत था नहीं, सुनने वाले लोग थे, वहां तानसेन नहीं थे, वहां कानसेन थे, लेकिन उन लोगों ने सीखा। इन दोनों परिवारों में कोई फर्क देखती हैं आप? फर्क आप किस लिहाज से, मतलब किस इसको मैं, तरीके से? सवाल को मैं आसान कर देता हूँ। इस सवाल जी को आप ऐसे समझिए कि मान लेता हूं कि मैं, मेरा कोई मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि संगीत की नहीं है, लेकिन मैं जी चाहता हूं कि मेरा बच्चा संगीत सीखे। जी क्या उसके लिए संगीत सीखना उतना ही आसान होता है जितना एक घरानेदार परिवार वालों का होता है, या कुछ बैरियर्स हैं? और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में तो ये बहुत है कि लोग सिखाने वाले गुरु ही नहीं मिलते। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और मुझे लगता है कि जो घरानेदार लोग होते हैं, जहाँ पे मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संगीत हस्तांतरित होता है, लोग सीखते हैं, पूरा एक जिसको आप घराना कहते हैं वो चलता रहता है, वहाँ पे तो उनको ये सहूलियत है कि उनके पिता, दादा, परदादा, यहाँ से परंपरा चली आ रही है, फिर बच्चे में आई, और एक संस्कार है कि बच्चा जन्मा तो उस समय वो कान में और मतलब राम राम कहते हैं लोग, जो भी कहते हैं, लेकिन वो संगीत सुनाते हैं, संगीत के स्वर सारे गम जो भी कान में बोलते हैं, तो यहाँ से सोचिए संगीत का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ऐसे परिवार जहाँ पे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई गाने वाले लोग नहीं रहे हैं, कोई इस तरह से परंपरा में संगीत जहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहाँ सीखें, कैसे शुरुआत करें, इस बच्चे में वो टैलेंट है कि नहीं, ये पहले पहले जिसको देखने की चीज़ होती है कि बच्चे में टैलेंट है कि नहीं, क्योंकि बिना देन के, बिना जो ये ईश्वरीय देन है पूरी तरह से, और कहते हैं ना इस पे बपौती नहीं है, ये भी बात एक तरह से सच है इसमें, कि कोई अगर ये कह दे, दावा कर दे कि नहीं ये मैं गाता हूं तो मेरा बच्चा जेनेटिकली हो सकता है, आज आज मैं इस पक्ष पे भी जाना चाहूंगी कि जेनेटिकली अगर वो है गायन की एक चीज या संगीत की, तो आएगी ही आएगी, लेकिन जहां जेनेटिकली नहीं है वहां पे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चा बच्चे का रुझान किस ओर है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। और ऐसे समय में गुरु मिलना और सद्गुरु मिलना, ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं चैलेंजिंग एक वो बात है कि अच्छा गुरु मिलना, और प्रथम गुरु और गुरुओं की परंपरा अगर अच्छी मिल जाए तो फिर समझिए कि जीवन बन जाता है, क्योंकि गुरु तो कल्याण करता है, वो तो उद्धारक होता है, वो जिसको स्पर्श करता है ना तो उसका तो जीवन बदल देता है, गुरु में वो शक्ति है और किसी में नहीं, गुरु तो क्या बताएं। दीदी अभी हम एक आध हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही बात कर रहे थे रेशमा जी से, रेशमा श्रीवास्तव जी
सितार जी बजाती, इलाहाबाद की अपनी जी हैं, और उनके पिता, उनके चाचा और उनके ताऊ जी, यानी मेरा, मैं 100% श्योर हूँ कि आपके घर में भी राग परिचय होगी, आपके घर में भी जी ताल परिचय होगी, यानी जी हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये वो परिवार है जिसने इस देश में जितने लोगों ने भी भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखा, उनके घर में वो किताबें जरूर हैं। लेकिन बड़ा जी प्रैक्टिकल सी बात है, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने शिकायत भी नहीं की, उसको ऐसे कहना चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे उस तरह से प्रोग्राम नहीं मिलते। लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, ये तो मतलब ये किसी घराने से तो आती नहीं है, ये कोई ऐसा तो है नहीं जी कि इनका पुराना 300 साल से सीख रहे हैं, 200 साल से सीख रहे हैं। क्या कार्यक्रमों के मिलने की ये कसौटी होनी चाहिए कि कौन कितने साल से सीख रहा है, या कार्यक्रमों के मिलने की कसौटी, पुरस्कारों के मिलने की कसौटी, और सबसे बड़ी बात कि संगीत को जो सुनने वाले लोग हैं, जो संगीत को पसंद करते हैं, जो संगीत रसिक लोग हैं, उन तक पहुंचने की जो कसौटी है वो ये होनी चाहिए कि ये किस परंपरा से आती हैं, या ये होनी चाहिए कि कितनी सुरीली हैं, कितनी संस्कारी हैं और कितनी समर्पित हैं संगीत के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कई लोग चकाचौंध में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि चमक दमक। तो बहुत तरह के समझने वाले लोग होते हैं समाज में। कुछ तो मतलब अब क्या कहना चाहिए, मंच मंच पर जो प्रेजेंस होता है उससे बहुत से लोग प्रभावित हो जाते हैं, उससे जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी, जो एक सच्चा सुर आपको स्तब्ध कर दे, आपके मुंह से कुछ शब्द ना निकले, आप चुप हो जाएं, तो वो तो सारी चीजों से ऊपर है। मैं उसी सुर को मानती हूँ, उसी सुर की पूजा करती हूँ। अपने गुरुजी की बात मैं कहना चाहूंगी, मंजू जी वो कहती थी कि जहां बच्चे बहुत शोर मचा रहे हों तो वहां तुम और धीमे बोलना। वो कक्षा में जब आती थी कहती, जब शोर होता है तो आप और धीमे बोलिए, और आप धीमे बोलेंगे तो लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे, तो वो चुप होते चले जाएंगे। तो उनका जो बताने का ढंग था वो बिल्कुल उलट था। वो जोर से नहीं बोलती थी, वो और धीमे बोलती थी। तो और धीमे बोलने से वो क्या होता था, जो मतलब शोर हुआ करता तो वो अपने आप शांत हो जाता था। वो संगीत का जो जिसको कहते हैं नेचर है, संगीत तभी हो सकता है जब शांति हो। शोर हो तो संगीत की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो संगीत का गुण ही स्तब्धता है, शांति है, और अपने आप में ही वो शांति समेटे हुए रहता है। तो ये बात है, और आपकी बात बिल्कुल सही है इस बारे में। बहुत मैं तो हमेशा कहता हूँ दीदी कि ये जो गुरु लोग होते हैं ना, ये जो उस्ताद, गुरु, पंडित, ये कई बार जीवन में बहुत बड़ी सी चीज बहुत छोटे उसमें समझा देते हैं। जैसे आप ही गुरु जी ने कहा कि जहाँ बहुत ज्यादा शोर हो वहाँ और जी धीमे बोलना। वो उस्ताद जी गुलाम मुस्तफा खान साहब के बारे में, एक दिन मैं हरिहरन साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं उनसे सीखता था और कुछ फिल्मी गाने मिलने लगे थे, तो मैं 2-3 बार ऐसा हुआ कि क्लास मेरी मिस हो गई, यानी मुस्तफा गुलाम मुस्तफा खान साहब की क्लास मिस हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले सर बना लो, टोपी बाद में पहनना। तो ये जो एक एक लाइन में जीवन के मूल मंत्र सिखाते हैं, संगीत के मूल मंत्र सिखाते हैं, और मैं बार बार, मुझे लगता है कि ये मतलब बाकी चीजों में तो नहीं, लेकिन बनारस में जहाँ के बारे में मतलब वो कबीर चौरा पे कहते हैं कि पत्थर ऐसे उछाल दो तो जिस घर में गिरेगा वहां कोई पद्म भूषण होगा, कोई पद्म विभूषण होगा, कोई पद्मश्री होगा, और आप तो वहां पर लंबा समय बिता चुकी हैं। इन कलाकारों का जो आपको आशीर्वाद मिला, मतलब वो जो कबीर चौरा की गलियां हैं, और उसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे तमाम कलाकारों को जानता हूँ जो आपको बहुत स्नेह करते हैं, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं नाम लेना, उनका आशीर्वाद कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ
कि बिना आशीर्वाद के, बिना आशीष के आपको कृपा नहीं मिलती, और कृपा के बिना संगीत संभव ही नहीं है। उसके लिए कृपा और ऐसे महान, ऐसी महान विभूतियों की कृपा, जिसको आप गुरु कृपा कह सकते हैं, क्योंकि ये कृपा शक्ति से संबंधित होती है। कृपा होती है उसका अर्थ मतलब बहुत लिटरली आप नहीं ले सकते, बल्कि आप ऐसे, ये बहुत गहरी बात है मैं कहना चाहूँगी। कृपा मिलती है मतलब कि आपको एक आंतरिक शक्ति मिलती है उस व्यक्ति की, जो अपने आप में एक बहुत लंबी गुरु परंपरा को समेटे हुए है। तो उन सभी गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो आपके बारे में अगर कोई कुछ भी इस तरह से स्नेह भरी बात कह दे तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए तो ऐसे किसी भी महान विभूति का सानिध्य बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बिना मैं नहीं समझती कि इस विद्या में और इस संगीत के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ भी सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ये प्रश्न दीदी इसलिए पूछा था क्योंकि आज से 4-5 साल पहले कुछ ऐसे प्रसंग हुआ बनारस का, और राजन साजन जी थे साथ में, तो मैंने आपका नाम लिया। तो राजन जी तो मतलब ये हम लोग की बदकिस्मती है कि अब नहीं है, वो पान खाए हुए, मुंह पे बेफिक्री, और उनकी जो हंसी थी मतलब वो तो अभी जहन से ही नहीं उतरती। ऐसे पान, अरे बहुत बहुत अच्छा गाती हैं। तो वो जो उनका, तब तो ना मेरा आपसे ऐसा कोई परिचय था, राजन साजन से तो फिर भी था, लेकिन एक कलाकार से का नाम लेने पर एक इतना बड़ा कलाकार इतना डूब के कहे अरे बहुत अच्छा गाती हैं, तो ये संभवतः यही आशीर्वाद है जो आप लोगों ने कमाया है और जो जीवन भर आप लोग के साथ रहेगा भी। दीदी आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो भी लोग इस इंटरव्यू को देखें उनको समझ में आए, रियाज कितना जरूरी है। ये तो ऐसा प्रश्न है कि मैं क्या कहूं। जिस तरह से सांस लेना, जिस तरह से भोजन करना, जिस तरह से जल के बिना हम नहीं रह सकते, उसी तरह से रियाज या अभ्यास, उसके बिना हम संगीत कर सकें ऐसा सोचना भी बहुत, जिसको कहते हैं, विचित्र बात होगी। क्योंकि ये तो एक ऐसी ऐसी विद्या है कि जैसे हम भोजन करते हैं, ये उस तरह से रची बसी अपने में होनी चाहिए। और रियाज जो है आपको हमेशा, जिसको कहते हैं, अप टू डेट रखता है, अपडेटेड रखता है, और आपकी आवाज़ को, जिसको कहते हैं ना, शार्पन करता है, आपकी आवाज़ को एक संबल प्रदान करता है। आपको कहीं भी आप जाएंगे तो एक प्रकार का आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो रियाज ये सारी चीज़ें प्रदान करता है। और रियाज, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप रियाज करने बैठते हैं तो वो तो, ये तो जिसको कहते हैं ना, अनहद, अनहद से संबंधित ये विद्या है। तो जब नाद योग का हम अभ्यास करते हैं और उसके बारे में, उसमें, उस पथ पे अग्रसर होते हैं, तो आपको एक तरह से ऊर्जा मिलती जाती है और आपको एक शक्ति मिलती जाती है, आंतरिक शक्ति मिलती जाती है, क्योंकि संगीत आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख देता है। ये संगीत एक ऐसी कला है जो कि व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकती है। कोई बहुत क्रोधी हो तो आपको वो शांति प्रदान, क्योंकि जब संगीत चिकित्सा मेरा विषय रहा तो मैंने ये सब चीजें अनुभव की। और ये गुण संगीत का है, ये गुण स्वरों का है, ये गुण राग का है कहना चाहिए। दीदी आपने हमारे लिए वक्त निकाला और विस्तार से बातचीत की, अपनी गायकी से हमें आनंदित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आप जैसे कलाकारों से इस देश में जितने भी लोग शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित हैं या इंटरेस्टेड हैं, मैं कहना चाहिए मुझे, उन लोगों को ये सीखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी बहुत बड़े घराने से आते हों, अगर आपको संगीत सीखना है, आपके अंदर समर्पण है,
तो संगीत जरूर सीखिए, संगीत आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है, संगीत आपके जीवन को शुभ बनाता है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। जी शिवेंद्र जी, ये मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे रागगिरी के इस प्लेटफॉर्म पे अपनी संगीत यात्रा और अपने सद्गुरुओं के विषय में कहने का और अपने विचार साझा करने का ये अवसर मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी और इस रागगिरी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी लोगों की, सभी दर्शकों की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।